अस्सलाम वालेकुम, कैसे सब व्यूवर्स? मेरे सब खैरियत से होंगे। और जैसा कि समर सीज़न शुरू हो चुका है तो उसके लिए आज मुझे टिप्स लेके आया हूँ, ठीक है। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, छोटी सी शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले तो भाई गर्मी आ गई है, गर्म डाइट कम करनी है। मतलब आपकी अगर फीड में गर्म चीज़ें हैं जैसे कि अलसी होगी, भंग होगी, ठीक है ना, कनेरी होगी, या लोग जालते होते हैं क्या कहते हैं, जितने भी गर्म आइटम हैं फीड के अंदर से पहले वो कम करने हैं, और बर्ड्स के अंदर ठंडी फीड के अंदर ठंडी चीज़ें ऐड करनी है। फॉर एग्जांपल ठंडी चीज़ में क्या आता है, ठीक है, आपका जो होता है ना, लोग डालते नहीं हैं जई। जई बहुत ठंडी होती है, मतलब कि ठंडी होती है और बर्ड्स के लिए अच्छी होती है, तो आपने वो यूज़ करवानी है। सेकेंड थी डाइट के अंदर, आजकल आपने वेजिटेबल्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है। धनिया, पुदीना, ठीक है, धनिया हो गया, पुदीना हो गया, ठीक है, पालक थोड़ी सी आप डाल सकते हैं, कद्दू, ठीक है, चुकंदर, गाजर, लौकी, ये आइटम ऐसे हैं ना, पालक को छोड़ के, पालक में आयरन होते हैं ज़्यादा, ठीक है। पालक का एक एक पत्ता आप एक एक पेड़ को डाल सकते हैं, ठीक है। तो अब मैंने सब बर्ड्स के ऊपर जितना भी है वेजिटेबल्स का ऊपर इस्तेमाल ज़्यादा, वैसे भी मैं करवाता हूँ, मगर अब जो है मैं ज़्यादा इस्तेमाल करवा रहा हूँ, ठीक है। धनिया, पुदीना, जैसे कि आपको पता है ठंडा होता है, तो ये आपने डाइट प्लान में ये चीज़ें आपने ऐड करनी है। क्या? धनिया, पुदीना, चुकंदर, लौकी, कद्दू, खीरा, अब ये चीज़ें आप यूज़ करवा सकते हैं। जितनी वेजिटेबल्स आप यूज़ करवाएंगे उतना ही आपके बर्ड्स के लिए बेहतर है। उसके अलावा आपने क्या करना है, बर्ड्स के अंदर मटकियाँ लगी हुई थी आपके पास, तो मटकियों के ढक्कन आपने उठा देने, ठीक है, ताकि वेंटिलेशन हो, क्योंकि मटकियों में अगर होल्स नहीं है तो आपने उसके ढक्कन उठा देने, और अगर आपके बॉक्सिंग में होल नहीं है तो आपने इस तरह गैप देना है। ये देख सकते हैं मैंने कैसे गैप दिया हुआ है, ये वेंटिलेशन के लिए, ताकि बर्ड डिस्टर्ब ना हो, ठीक है, ताकि बर्ड अंदर हबस से मरे ना, क्योंकि गर्मी हो गई है, एकदम चेंज होता जा रहा है मौसम, तो मैंने क्या कर रहा है, गैप देता जा रहा हूँ। अगर आपके बॉक्स में होल्स हैं तो वेल एंड गुड है, होल कर लें, मोटे मोटे बड़े बड़े सुराख हो जाएं, ताकि वेंटिलेशन का काम हो। अब मेरे बॉक्सेस में होल्स नहीं है तो उसके अंदर मैंने ये किया है, हर मटकी, हर बॉक्स के ऊपर जो है मैंने मटकियाँ से हटा दी ढक्कन, और हर बॉक्स को मैंने गैप दे दिया, ये वेंटिलेशन के लिए। छोटी छोटी टिप्स हैं, इतनी खास बड़ी नहीं, मगर ये बहुत अहम होती हैं। और डाइट का मैंने जैसा कि आपको बताया डाइट का, और सेकेंडली आपने ये करना है भाई एंटी बैक्टीरियल, मतलब कि जो बर्ड्स के लिए होते हैं जिसमें वायरस वगैरह बढ़ के मरते हैं, आपने स्प्रे शुरू करना है बर्ड्स के ऊपर करना, क्योंकि गर्मी आ चुकी है, अब आपने डेली बेसिस पे बर्ड्स के ऊपर स्प्रे, गन से स्प्रे करना है, ठीक है। आप खैर जैसे कि दोपहर का टाइम होता है, उस टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, तो आप दोपहर से थोड़ा सा पहले आएँ और बर्ड्स के ऊपर स्प्रे करना शुरू कर दें। अब मैंने क्या किया, नीचे पानी से छा दिया, पूरा का पूरा गीला किया, अब डेली बेसिस पे कर रहा हूँ। पहले सर्दियाँ थी, सर्दियों में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए नहीं कर सका। अब सर्दियाँ आ गई हैं, सॉरी गर्मियाँ आ गई हैं, तो मैंने ये नीचे पानी गिरा देता हूँ ताकि ये नमी रहे और ठंडा हो जाए। और बाहर मैंने जैसे आपको बताया था, जाली मैंने जो नेट लगाया हुआ है उसको गीला कर देता हूँ मैं, और वेंटिलेशन मैंने पूरी खोल दी इस तरफ से, ताकि बर्ड्स को वेंटिलेशन होते, कॉलोनी है अब ये बैठे हुए हैं, ताकि इनको अच्छी वेंटिलेशन हो, उनके ऊपर जब स्प्रे करता हूँ मैं तो ये काफ़ी बर्ड्स रिलैक्स रहते हैं। इधर भी मैंने वेंटिलेशन खोली हुई है। अब ये सामने वाला देखो दरवाज़ा, मैंने इस तरफ ये एरिया, ये जो शॉपर वगैरह है, रात में ठंड थोड़ी सी इसलिए मैंने हटा नहीं रहा, जैसे थोड़ा सा गर्मी पड़ेगी हटा के जाली लग जाएगी इधर, तो वेंटिलेशन यहाँ से एयर क्रॉसिंग हो जाएगी। आपके शेड में एयर क्रॉसिंग होनी चाहिए लाजमी, वरना बर्ड एक्सपायर हो सकता है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं, मैंने आपको, मैंने कहा चलो आप लोगों से शेयर करूँ। वेजिटेबल्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, बर्ड बड़े शौक से खाते हैं, आदत डालें अपने बर्ड्स को वेजिटेबल्स की, ताकि बर्ड्स जो है इसको एंजॉय करें और हेल्दी और एक्टिव रहे, क्योंकि लोग होते हैं सिर्फ कहते हैं ब्रीडिंग सीजन में खिलाना होता है, असल जो टाइम होता है ना बर्ड्स को मेंटेन करने का, बर्ड्स को ब्रीड अच्छा करने का, वो टाइम होता है जब आपके घर के पट्टे निकले हों या बर्ड ब्रीड से हटाओ, उस टाइम आपने बर्ड्स को अच्छी से अच्छी डाइट देनी है, जितनी अच्छी डाइट दे सकते हैं, अच्छे से अच्छा सॉफ्ट फूड, अच्छे से अच्छी वेजिटेबल्स, प्रोटीन, विटामिन, उस टाइम यूज़ करवाओ। क्यों? अब वो ब्रीडिंग ब्रीडर पेड़ अगर ब्रीड से उतरे होते हैं तो वो बेचारे ब्रीड करके भी उनके अंदर वीकनेस आ चुकी होती है, ठीक है। तो आपने जब ये चीज़ें यूज़ करवाओगे तो उससे क्या बेनिफिट होगा कि बर्ड दोबारा ब्रीड के लिए हेल्दी और एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। आपके बर्ड दोबारा, मतलब कि उनके अंदर ताकत आ जाएगी कि वो दोबारा अगले साल अच्छी ब्रीड दे सकें। अदरवाइज लोग क्या करते हैं, ब्रीड ले के बाद में जब सीज़न ऑफ होता है उठा के कलोनी में फेंक देते हैं, और उनको बिल्कुल हल्की क्वालिटी की फीड यूज़ कराते हैं, बहुत गंदी किस्म की, ठीक है, मिनरल प्रोटीन्स वगैरह इतने नहीं देते, चारे बर्ड उल्टा ताकतवर होने के बजाय वो कमज़ोर होते जाते हैं, ठीक है।
तो ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं, ये आपको लाजमी करने, अगर आप अपने बर्ड्स को अच्छा खिलाओगे तो आगे अगले साल अच्छे रिजल्ट देंगे ना, वरना वो एक साल ब्रीड कर करके थक चुका होता है, वो अगले साल ब्रीड करने के काबिल नहीं रहता। ठीक है, फिर आप कहते हैं यार पिछले साल तो उसने बड़े अंडे बच्चे दिए, इस साल ये दो दो तीन तीन अंडे दे रहा है, वो भी सही तरह पाल नहीं रहा, क्यों, बर्ड वीक हो चुके हैं अंदर से। तो और पट्टे आपके मन कर रहे हैं उनको अच्छी से अच्छी डाइट दें, देखिए वो कॉलोनी में बड़े बर्तन रखें ताकि नए बच्चे जो होते हैं वो खा नहीं सकते, तो बड़े बर्तन रखेंगे इस तरह के, तो उसमें क्या होगा, बर्ड आराम सून से दाना खा सकता है। और बड़े कॉलोनी में बड़े बर्तन रखें नहाने के लिए भी बर्ड्स को, ताकि गर्मी आ चुकी है, बर्ड्स नहाए, मोल्ड करे, पर नए निकाले, साफ़ सुथरा हो जाए। ठीक है, और अच्छी से अच्छी डाइट देनी है आपने, स्पेशली वेजिटेबल्स का बहुत अच्छा ख्याल रखना है आपने, और बर्ड्स के ऊपर डेली बेसिस स्प्रे करें, क्योंकि सीज़न ऑफ हो गया होता है तो बर्ड्स के ऊपर स्प्रे करेंगे तो वो मोल्ड करेगा, अपने पर गिराएगा, नए पर निकालेगा, अच्छी डाइट मिलेगी तो ताकतवर हो जाएगा। मैंने कॉलोनी में बड़े बर्तन रखे हुए पाएंगे, ठीक है, बड़े बर्तन में दाने रखा हुआ है, पानी भी बड़ा रखा है ताकि बर्ड इसमें नहाएं और अच्छे बर्ड्स में दाना खाएं। ठीक है, अब ये देखें बर्तन भी मैंने बड़े रखे हुए हैं ताकि बर्ड आराम से इसमें दाना के खा सके और इन्जॉय कर सके। तो ये छोटी सी टिप्स थी भाई, आहिस्ता आहिस्ता बस अब एक आध महीने का और टाइम है, आप ब्रीड ले लो, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मैं भी बर्ड्स को ब्रीड से उतार दूँगा और कॉलोनीज में छोड़ दूँगा, या फिर बॉक्सेस उतार दूँगा, अगर जगह कम नहीं होगी तो फिर मैं बॉक्सेस सिर्फ उतार दूँगा और बर्ड्स को वहीं पर रहने दूँगा। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आती होंगी, इतनी मैं डीपली इन्फॉर्मेशन नहीं होता, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होता है मैं वही शेयर करता हूँ कि ताकि नए फैंसियर जो है जिनको इन चीज़ों का नहीं पता उनको एक काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिल सके। और एंटी बैक्टीरियल मतलब के जो होते हैं बर्ड्स की शॉप से आपको मिल जाएगा, अच्छा स्प्रे मिलते हैं जिसमें से वायरस मारने के लिए होता है, वो बर्ड्स के ऊपर स्प्रे भी कर सकते हैं, शेड के ऊपर पूरा स्प्रे करें उससे, ताकि आपके शेड में वायरस ना आए, बर्ड्स जो हैं हेल्दी और एक्टिव रहें। अपनी दुआओं में याद रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।